महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर में स्थित आदर्श स्कूल में दो बच्चियों के साथ ठेकेदार द्वारा छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। शिवसेना उद्धव गुट की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्य सरकार पर हमला बोला है, तो वहीं राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे ने इस मामले पर कार्यवाही के लिए एसआईटी गठित करने के आदेश दिए हैं। इस घटना से गुस्साए लोगों ने स्कूल के सामने मंगलवार यानी 20 अगस्त को प्रदर्शन कर रहे थे। देखते ही देखते प्रदर्शन कर रहे लोगों की संख्या बढ़ती गई और पूरे शहर में आक्रोशित लोगों की भीड़ बैनर पोस्टर लेकर निकल आई। इसके बाद लोगों ने रेलवे स्टेशन का घेराव शुरू कर दिया। इस मामले पर प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्य सरकार पर हमला बोला है, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। बहुत दुखी है, एक माँ होने के नाते, बेटी की माँ होने के नाते मैं जनता का आक्रोश समझ सकती हूँ। दुख इस बात का होता है कि बार बार महिलाओं को बोला जाता है कि आपके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, आपको न्याय मिलेगा, पर वोट पाने के बाद उनको कुछ नहीं मिलता। 2021 में उद्धव बाला साहेब ठाकुर जी के नेतृत्व में एक शक्ति कानून बिल जो एक ज्वाइंट कमेटी बनी थी, ज्वाइंट कमेटी के बाद असेंबली में लाया गया था, बहुत उस पर चर्चा हुई, उसके बाद उसको पास किया गया। उसको सिर्फ एक प्रेसिडेंट नॉट की जरूरत है। 2022 में जिस तरीके से हमारी सरकार गिराई गई, अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार गिराई गई, उसपे देवेंद्र फडणवीस बने थे गृहमंत्री। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की महिलाओं को वादा किया था कि शक्ति कानून को जल्द से जल्द पारित किया जाएगा। कल ही मैंने चिट्ठी लिखी कि 2021 से लेकर 2024 तक मैंने राष्ट्रपति से लिखा था कि रक्षाबंधन का एक शुभ पर्व है, आप इसको मंजूरी दीजिए, क्योंकि वहां पे महाराष्ट्र की महिलाओं को एक सख्त कानून मिलेगा जो उनको आश्वासन देता है कि 15 दिन में इन्वेस्टिगेशन होगा, 30 दिन में वो पुलिस ट्रायल पे जाएगा, सेपरेट कोर्ट होंगे, सेपरेट इन्वेस्टिगेटिंग टीम होंगी, सेपरेट पुलिस फोर्सेज होंगी जो सिर्फ महिला और बच्चों की बेटियों के न्याय की बात करेगी। आज तक इसको पास नहीं किया गया है। आज देवेंद्र फडणवीस का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। देवेंद्र फडणवीस से मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग जरूर पूछेंगे कि कितनी चिट्ठी इन्होंने राष्ट्रपति को लिखी थी, शक्ति कानून जो कानून है, शक्ति महाराष्ट्र का शक्ति कार्यकारी लॉ है, उसको आप मंजूरी दीजिए। तो वहीं एनसीपीसीआर के चेयरमैन प्रियंका नुनगो ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। हमको ये खबर मिली है कि महाराष्ट्र के बदलापुर के एक स्कूल में बच्चों के साथ शोषण की घटना पर स्कूल का रवैया संवेदना से परे था। स्कूल ने मामले को दबाने का प्रयास किया। इस मामले में यह भी जानकारी मिली है कि संबंधित पुलिस थाने ने यथासमय एफआईआर दर्ज नहीं की है, इस पूरी घटना का संज्ञान लिया है। अब ये जो सूचनाएं हमारे पास हैं, इन तथ्यों को जांचने के लिए एक टीम हम वहां भेजेंगे। इस टीम के आने पर हम इस बारे में आगे कुछ बता पाएंगे, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री महोदय ने जो संबंधित थाना है उसके अधिकारियों को हटाने का आदेश जारी किया, ये हमको पता चला है, ये एक सकारात्मक बात है। आयोग की जांच हो या दोषियों के विरुद्ध पॉक्सो की जांच हो, अगर इस तरीके के अधिकारी थाने में बने रहते हैं तो जांच प्रभावित होती है। मैं महाराष्ट्र सरकार के इस निर्णय के लिए उनको साधुवाद देता हूं, और ये भी सुनिश्चित करने की बात है कि अगर स्कूल ने एफआईआर कराने में हीला हवाली की है या कोई और भी इसमें शामिल है, तो स्कूल के विरुद्ध पॉक्सो की धारा 19 के उल्लंघन का मामला दर्ज हो। जो लोगों ने भी इस मामले को दबाने की कोशिश की है, सबके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई या उनके सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग जो कार्रवाई होनी है वो की जाए। इस मामले के संज्ञान में आने के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि इसकी जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है, दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैंने बदलापुर में हुई घटना का गंभीरता से संज्ञान लिया है, हम उस स्कूल के खिलाफ भी कार्रवाई करने जा रहे हैं जहां यह घटना हुई है। हम इस मामले को तेजी से निपटाने की प्रक्रिया में है और दोषी पाए जाने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जबकि देवेंद्र फडणवीस ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि इस मामले की जांच के लिए आईपीएस अधिकारी आरती सिंह की अध्यक्षता में एसआईटी के गठन का आदेश दिया गया है। थाने पुलिस आयुक्त को भी आज मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है, ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। तो ये थी महाराष्ट्र के बदलापुर केस से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।